मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो नए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हमें हौसलों के साथ इस उड़ान को पाना है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यंग डैशिंग डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह सर को कि वो आए और यहाँ पे सबको मोटिवेट करें और बताएं कि हम क्या हैं एज एन यूनिवर्सिटी फैमिली। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर पंकज सिंह सर का। इतनी है कि जो उसको ढूंढी पड़ी होंगी लेकिन उसने हार नहीं मानी। इवेंचुअली ही फाउंड आउट कि जो वो चीज थी वो गार्डन से आई नहीं थी, वो बेसिकली खिड़की के ऊपर एक लगा हुआ मोल्ड, एक फंजाई, एक फंगस थी। उसने उसको वहां से स्क्रैप किया एंड देन ही फाउंड आउट कि दिस इज अ थिंग दैट वाज एक्चुअली हैम्परिंग द प्रोग्रेस और किलिंग द बैक्टीरिया इन दैट कल्चर। फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे करके टाइम बीता जा रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ये तो पता चल गया कि दिस फंगस इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर द ग्रोथ रिटार्डेशन, बट उसको ये नहीं मालूम था कि इस फंगस को कैसे आइसोलेट करें। और उसने उसने क्या करा, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस समय ही इज़ ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, ही वॉज बॉर्न इन एडिनबरा, तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट मांगी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू गिव एनी ग्रांट फॉर हिज रिसर्च। उसके बाद ही वॉज बेसिकली ही डिडंट से यू नो नो टू हिज एस्पायरेशन। उसने जगह जगह लेटर लिखे, US गवर्नमेंट से एक उसकी ग्रांट सेंक्शन हो गई एक बार, जो कि $1,000 की थी। इट वॉज यू नो रीजनेबल अमाउंट इन दैट टाइम, बट स्टिल इट वॉज ऑन अ जायनॉर्मस अमाउंट। लेकिन US गवर्नमेंट की जो पेटेंट रजिस्ट्री है एंड देयर IPR सेक्शन, दे प्रोहिबिटेड दैट पर्सन टू गिव दैट ग्रांट टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास एक आशा की किरण जगी थी, वो भी टूट गई। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, समवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही गेव हिज पर्सनल फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट ही गेव हिम सम £1,000। उसके बाद वो रिसर्च उसकी स्टार्ट होती है और देन ही बेसिकली स्टार्टेड यू नो क्रिस्टलाइजिंग दैट पेंसिलिन फ्रॉम दैट बेंजाइन पेंसिलिन फ्रॉम दैट फंगस। 1928 में उसने पहली बार आशा की किरण देखी थी और उसको नोबेल प्राइज कौन से सन में मिला, 1945। हाउ मेनी ईयर्स डाउन द लाइन, 27 ईयर्स। 27 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो वहाँ पहुँच पाया जहाँ उसको पहुँचना था। और फिर बेंजाइन पेंसिलिन के बनने के बाद क्या हुआ, इतिहास बन गया वो। दैट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। जब पहली एंटीबायोटिक कहाँ पर दी थी, उस समय देर सोल्जर्स हु वर वाउंडेड, हु वर इन्फेक्टेड विद द वाउंड्स। जब पहली एंटीबायोटिक एक सोल्जर को दी गई, उसके वाउंड्स मैजिक की तरह भरते गए, तो तब गवर्नमेंट की आँख खुली। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट दे गेव प्रॉपर ग्रांट टू हिम फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर स्टार्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द पेंजाइल पेंसिलिन। एंड दैट वॉज द सक्सेस स्टोरी दैट क्रिएटेड द चेंज द वर्ल्ड। तो दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आज की डेट में चाहे आप बाई चॉइस यहाँ पे आए हों, चाहे बाई चांस आए हों, द होल डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। वट वी नीड टू रियलाइज, वट वी नीड टू सी दैट द NIMS इज प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन मेक इट हैपन व्हेन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सो मैं अभी आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट पैरामीटर्स में अपना नाम कमाएँ, अपने को आगे बढ़ाएं। नाउ चैलेंजेस की बात एक आती है यहाँ पे कई बार कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। कई सारे बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि यार हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो फूड, हॉस्टल, डिफरेंट थिंग्स, द पेरेंट्स सेपरेशन एंग्जाइटी इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू सी हियर। एंड दो ऑल दीज थिंग्स वट आर मेड वर्स बाई द रैगिंग विच इज़ वन ऑफ द मीनस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। रैगिंग के लिए हम लोगों का बहुत क्लियर पॉलिसी है कि वी फॉलो द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, एस आई नरेटेड इन माई लास्ट स्पीच, दैट वी से जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग। तो यहाँ सीनियर्स भी बैठे हैं और जूनियर्स भी होंगे। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर जूनियर्स, यू कैन रैग दैम, बिकॉज दैट विल डिस्ट्रॉय देयर मॉरल, देयर करेक्टर, देयर कॉन्फिडेंस फॉर एवर। सो दिस इज नॉट द वे टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैम। द बेस्ट टू ब्रिंग द वे टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ दैम इज टू basically support them, nurture them, and provide them an environment where their talent, the real talent, can flourish. So I request all the seniors here that they should not be involved in racking, otherwise we will take the strictest action against anyone who is involved. Dusra challenge hum log ke samne yahan pe aata hai ek learning ka. To dosto, learning opportunity jo aapko yahan mili hai usko use karne ke liye ek sabse bada weapon hai ki self realization. What we need to learn, what we need to see कि वट आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी लैक। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है एंड लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सुधरने की सबसे बड़ी सीढ़ी है, सीखने की सबसे बड़ी सीढ़ी क्या है कि हम ये मान लें कि हम गलत हैं या हमारे पास लैक है, स्किल, वी लैक इन दिस स्किल।
बहुत से लोग जो हैं अपने को एक अहम में जीते हैं. आई थिंक वी नीड टू डाइल्यूट आर ईगो व्हेन वी स्टेप्ड इनटू नेम्स टू मेक मोस्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट. अंजुम रहबर एक मेरे बहुत फेमस पोइट हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ बोली हैं इसके ऊपर कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आइनों पे लगाना फिजूल है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आज हम लोग ये यहाँ पे सीखने आए हैं. अगर हम लोग ये सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं ला पाएंगे अपने अंदर कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो हमारे गुरु, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, हमें कभी कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे. और हम सभी लोगों की लाइफ में ये क्षण आता है कि जहाँ पे हमें आगे बढ़ना है. फिर क्या होता है कि कुछ लोग बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड, जैसा मैंने कहा है, यहाँ से आए हैं, एक कुंठा लेके जिंदगी में रहते हैं कि मैं तो बहुत छोटे परिवार में पैदा हुआ या मैं बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ. दैट इज़ अगेन ए काइंड ऑफ लाइक यू नो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ये सारी की सारी चीज़ें आपको, या मेरे को हिंदी नहीं आती, या सॉरी इंग्लिश नहीं आती, या मुझे हिंदी भी नहीं आती, कई लोग दूसरे बैकग्राउंड से हैं. तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि ये एक मेंटल आपके ब्लॉक्स हैं. व्हाट यू नीड टू रिमूव, यू नो, ASAP, जैसे आप आए हैं, यू हैव टू रिमूव दिस ब्लॉक. एक छोटी सी स्टोरी इस पर मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार एक हाथी जो था एक खूंटे से बंधा था, और जो रस्सी थी वो बहुत पतली सी रस्सी थी, उसके हाथी के पैर में शायद आपने देखा होगा बांधी जाती है. तो एक वहाँ से बच्चा गुजर रहा था, उसने पूछा महावत से कि ये सर, ये जो हाथी है ये तो रस्सी बहुत पतली है, इसको तोड़ सकता है इजीली, ये रस्सी इसने क्यों नहीं तोड़ी, क्यों नहीं भाग रहा उसको. तो उसने कहा बेटा, जब ये हाथी बहुत छोटा बच्चा था उस समय इसके लिए रस्सी बहुत मजबूत थी, तो मैंने इस हाथी को इसके रस्सी से बांध दिया, और उस समय इसने बहुत कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन वो रस्सी ये नहीं तोड़ पाया. लेकिन जैसे जैसे हाथी ग्रो होता गया, इसकी पावर भी बढ़ती गई, और ये, लेकिन इसके दिमाग में एक ये बात बैठ गई, एक ये ग्रंथि बैठ गई कि रस्सी इतनी स्ट्रांग है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊँगा. आज जबकि हाथी के पास पूरी ताकत है, जबकि हाथी के पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो तब भी इस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में वो मेंटल ब्लॉक है. तो निम्स में आने के बाद दोस्तों आपको वो रस्सी तोड़नी है. सो ये मेरा आह्वान है, ये मेरा एक ओपन इन्विटेशन है कि ये प्लेटफॉर्म आपको एक यूज़ करके अपने मन की वो बेड़ियाँ तोड़ के आगे बढ़ना है.